2017 जो कि अब 2022 भी बन चुका है तो अपने दोनों रूल्स पढ़ेंगे कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017 ठीक है तो चलिए फटाफट अपने स्टार्ट करते हैं ये वाला रूल्स एक बार बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इस रूल्स का ओवरऑल बेनिफिट बता देता हूँ ओवरऑल इंटेंशन बता देता हूँ उसके बाद अपने आने आ, आगे बढ़ेंगे गाइस ठीक है तो एक बार आइए एक बार अपने आपके जो जो भी मैट है वहाँ पे कस्टम रूल्स 2017 में आप आइए यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या टॉपिक पढ़ने वाले आप बात को समझो गाइस यहाँ पर अपने पढ़ने वाले की मान लीजिए अगर आपकी कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रही है ठीक है इंपोर्ट कर रहे हैं आप गुड्स इंडिया में राइट If you are importing any goods into India, और अगर section number 25 में सेक्शन नंबर 25 क्या चीज है सर सेक्शन नंबर 25 फाइव ऑफ कस्टम्स एक्ट नाइनटीन बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर एन एग्जेमशन प्रोवाइड्स फॉर एन एग्जेम्पन दैट कस्टम्स एक्ट में कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन के थ्रू इंपोर्ट ऑफ गुड्स एग्जेम्ट किया जा सकता है

ज ऑफ द गुड्स की वो क्या यूज किया गया है मान लीजिए मैं कोई इंपोर्ट कर रहा हूं कोई भी गुड्स अगर वो एक एंड एक एंड जो है वो अगर एंड पर्पस के लिए यूज किया जाएगा जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करके रखेगा दैट इज स्पेसिफाइड एंड यूज या फिर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होगा या फिर अगर वो आउटपुट सर्विस देने के लिए यूज होगा आई रिपीट ये तीन चीजों के लिए यूज होगा या तो वो एंड यूज जो कि स्पेसिफाई किया जाएगा एग्जामेशन नोटिफिकेशन में उसके लिए यूज होगा या तो वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होगा या तो वो आउटपुट सर्विस के लिए यूज होगा इन तीनों में से अगर वो किसी भी एक पर्पस के लिए यूज हुआ तो ही ये एग्जेपन नोटिफिकेशन अलाउ करेगा कि आप इस इंपोर्ट पर ड्यूटी ना पे करो आप इस इंपोर्ट पर ड्यूटी ना पे करो तो पॉइंट ये उठ के आता है कि एज पर सेक्शन 25 फाइव देर कैन बी एन एग्जेम्पन देर कैन बी एन एग्जेम्शन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू विच

के लिए यूज करेंगे एक्सपोर्ट के लिए यूज करेंगे इसका ट्रैक रखना बहुत बहुत मुश्किल होता है है कि क्या फाइनली वो उस पर्पस के लिए यूज हुआ अकॉर्डिंगली कस्टम्स में बहुत पहले से रूल्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी तो आपको मैं क्या कराऊंगा टू का रूल पढ़ाऊंगा और इसमें बहुत टू या थ्री माइनर डिफ्रेंसे होंगे जो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वाले रूल में अलग से आपको पढ़ाया जाएगा अगर आप टू थाउजेंड से दोनों रूल दिया हुआ है तो मैं आपको दोनों ही पढ़ा कर चलूंगा जो कि मेरे मैट में भी दोनों रूल दिया है तो ओवरऑल समझे दैट यू आर एक्चुअली इंपोर्टिंग गुड्स एंड योर गुड्स आर सब्जेक्टेड टू एक्समिशन इशूड अंडर सेक्शन नंबर उटपुट सर्विस तो अगर आप येज के लिए यूज करते हो तो गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पन देगी तो एग्जेमशन से निकल के आता है

और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज यानी कि हो सकता है नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए भी अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उस उसपे भी एग्जेमशन है और अगर उस पे है तो उस उसपे जीएसटी की लाइबिलिटी अगर उस पे है इफ इफ इन दैट केस इज एनी उसमें आपको कस्टम का जो रूल्स है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल सो कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज रूल्स टू थाउजेंड ट्वेंटीस्टैंड

राइट और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज ये दोनों कवर होगा सर ठीक है ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है रूल्स 2017 में और रूल्स 2022 में एम आई क्लियर ऑन दिस यस सर बिल्कुल क्लियर है आप आगे बढ़िए तो पहले आप रूल 2017 समझ लो फिर रूल 2022 एक बार अपने फटाफट देख लेंगे ठीक है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017 आईजीसीआर तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन

जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा कस्टम ड्यूटी के ऊपर वो यूज के ऊपर डिपेंडेंट कि मान लो मैंने कोई भी रॉ मेटेरियल इंपोर्ट किया वो रॉ मेटेरियल कैसे यूज कर रहा हूं उस पर उसका एग्जीबिशन डिपेंडेंट है बाय दैट नोटिफिकेशन या तो मैं उसको क्या चीज के लिए यूज कर रहा हूं या तो मैं उसको मैनुफेक्चर के लिए यूज कर रहा हूं फॉर एनी कमोडिटी मैं कोई कमोडिटी मैनुफेक्चर कर रहा हूं इंडिया में उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं या फिर आई एम प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट सर्विस आई आई रिपीट या फिर एम प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट सर्विस आई एम एक्चुअली यूजिंग दैट

एगजेंट कर रहे हो इम्पोर्ट ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स जिसके ऊपर डिपेंडेंट जो वो डिपेंडेंट है ऑन द एंड यूज ऑफ द कमोडिटी ऑन द एंड यूज ऑफ द कमोडिटी ऑन द स्पेसिफाइड एंड यूज तो वहां पे जो कस्टम ड्यूटी की बेनिफिट मिलेगी वो एग्जेमिशन नोटिफिकेशन के हिसाब से मिलेगी और एग्जेमशन नोटिफिकेशन में भी लिखा रहेगा कि आपको ये वाले रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कौन से रूल्स आई तो आई एक जनरल रूल बनाया गया है वेर एवर एनी एग्जामेशन इज गिवेन इन दस्टम ड्यूटी बेस्ड ऑन द एंड यूज ऑफ द

ठीक है डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन देखो मैन्युफैक्चर का बिकॉज़ अल्टीमेटली इफ योर इंपोर्टेड गुड्स इज अल्टीमेटली बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर ओनली तब आपके ऊपर इसकी एग्जemption नोटिफ़िकेशन एप्लीकेबल होगी या फिर आउटपुट सर्विस अगर है तो एग्जemption नोटिफ़िकेशन एप्लीकेबल होगी तो मैन्युफैक्चर मतलब क्या प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स बाय द इंपोर्टर इन एनी मैनर दैट रिजल्ट्स इन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेचर हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेचर और अ कैरेक्टर और यूज और नेम एंड द टर्म मैन्युफैक्चरर शैल बी कॉन्स्ट्रूट अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर मींस क्या आप रॉ मटेरियल्स का प्रोसेसिंग कर रहे हो आप इनपुट्स का प्रोसेसिंग कर रहे हो इंपोर्टर होकर और जिससे एक न्यू प्रोडक्ट

वो आउटपुट सर्विस नहीं है सेल करने के बाद अगर आपकी गुड्स डिफेक्टिव निकल गई और उसके बाद जब आपकी गुड्स रिटर्न हो गई तो उसके बाद अगर आप कोई सेल सर्विस आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो दैट इज नॉट एन आउटपुट सर्विस एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बताऊं कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचा उसमें कोई पार्ट्स खराब हो गया आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मुझे वापस रिटर्न कर दिया अब वो पार्ट्स ठीक करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपको वापस सप्लाई करने के लिए मैं एक सर्विस दे रहा हूँ आपको आफ्टर सेल सर्विस दे रहा हूँ तो आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी मुझे बाहर से कुछ गुड्स इंडिया में

कोई ट्रीटमेंट कर 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 करना कोई प्रोसेसिंग करना या कोई मैन्युफैक्चरिंग करना जो कि आप नोट मतलब मेरा बात ध्यान से सुनो मैं इंपोर्टर बनकर अगर वही गुड्स इंडिया में खुद से यूज कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ वैसा ही वो इंपोर्टर ने क्या किया खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करके किसी और से करवाया तो उसको अपने क्या बोलते हैं जॉब वर्क कर हैं जॉब वर्क बोलते हैं कि मैंने उनको अपना प्रोडक्ट दे दिया वो उसमें क्या कर रहे हैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं प्रोसेसिंग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एज पर दी दिन नोटिफिकेशन विच इज अंडरटेकन बाई अ पर्सन ऑन द गुड्स ज्वेलरी एक्सक्लूडेड है उससे रिलेटेड आर्टिकल एक्सक्लूडेड है एंड अदर प्रेशियस मेटल्स और स्टोन एक्सक्लूडेड है मतलब गोल्ड ज्वेलरी और रिलेटेड आर्टिकल्स को अगर आप प्रोवाइड करो और उस पर अगर कोई फर्दर यूनो you know, प्रोसेसिंग हो रहा है तो वो जॉब वर्क के डेफिनेशन में नहीं आएगा और अगर वो जॉब वर्क के डेफिनेशन में नहीं आएगा तो आई रूल्स उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा आई रूल्स उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा तो जॉब वर्क मतलब क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस और मैन्युफेक्चर विच इज कंसिस्टेंट विद्जामेशन अंडरटेकन बायर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू द इम्पोर्टर एक्सेप्ट गोल्ड ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स

जुरिडिक्शनल कस्टम ऑफिसर का डेफिनेशन बेसिकली ऑफिसर ऑफ अ रैंक इक्वल टू द रैंक ऑफ अंटेंडेंट और इम्पोर्टेड टू यूज फॉर मैनुफेक्चर और फॉर आउटपुट सर्विस बेसिकली गई इम्पोर्टर का लोकेशन इंपोर्टर जहां भी सिचुएटेड है इम्पोर्टर जिस भी वेयर हाउस में गुड्स रखेगा जिस भी वेयर हाउस में मैनुफेक्चरिंग करेगा या सर्विस देगा उस लोकेशन का

Now let's come to rule number four. अब अपने थोड़ा प्रोसीजियर की तरफ भर रहे हैं कि ठीक है रूल नंबर थ्री भी समझ में आ गया आइडेंटिटी समझ में आ गया ओवरऑल ओवरऑल इंटेंशन समझ में आ गया डेफिनेशन समझ में आ गया नाउ लेट्स फॉर्मली स्टार्ट आई जी सी आर रूल टू थाउजेंड से सबसे पहले आते हैं रूल नंबर फोर में Obviously, rule number four बोलेगा giving prior intimation. To give क्या to give prior information. मतलब बोलने का मतलब ये है कि मैं अगर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूं और मेरे को अगर एग्जिमिशन चाहिए इस पर्टिकुलर इंपोर्ट पे बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड यूज और बेस्ड ऑन द आउटपुट सर्विस और बेस्ड ऑन द मैनुफैक्चर तो आई हैव टू डिक्लेयर इनिशियली ओनली मुझे पहले ही बताना पड़ेगा इम्पोर्ट के समय कि मैं इस पे एग्जेमिशन लूंगा और इस पर मान लो मेरा तीस लाख का ड्यूटी बनता है बट एग्जैम्बन मान लो बीस लाख का है तो मैं टेन लैक्स पे करूंगा और ट्वेंटी लैक्स की मैं एग्जामेशन ले लूंगा

ऑन द कॉमन पोर्टल दैट इज वो जो कस्टम का पोर्टल है कस्टम के पोर्टल में उसे वन टाइम इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा इन फॉर्म आई जी सी आर वन फॉर्म का नाम क्या है आई जी सी आर वन दैट इज इम्पोर्ट ऑफ गुड दैट कंसेशनल ड्यूटी जिसमें वो ये सारा डिटेल देगा एकदम बेसिक डिटेल देगा आई जी सी आर वन उसको भरना पड़ेगा ही विल गिव टाइम इन्फॉर्मेशन दैट इज हिज नेम एड्रेस ऑफ द इम्पोर्टर उसका नेम एड्रेस और जॉब वर्क का भी उसको नेम जॉब वर्कर का भी उसको नेम एड्रेस देना पड़ेगा कि वो किसके थ्रू अपना गुड्स प्रोड्यूस uh, करवाएगा मैन्युफैक्चर कराएगा प्रोसेसिंग करवाएगा गुड्स जो कि प्रोड्यूस होगा अल्टीमेटली वो क्या गुड्स बनाएगा या प्रोसेस अंडरटेकन एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ द इंपोर्टर या फिर उसका जॉब वर्कर ठीक है वो क्या गुड्स बनाने वाला है क्या प्रोसेसिंग करने वाला है एट द मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी अपना या जॉब वर्कर का उसको वो डिटेल्स देना पड़ेगा नेचर क्या होने वाला है डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है उस गुड्स का जो कि वो गुड्स इंपोर्टेड नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड विच इज यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ द गुड्स उसने क्या इंपोर्ट किया है जो कि वो यूज करने वाला है मैनुफैक्चर के लिए एट द प्रेमाइसिस ऑफ द जॉब वर्कर और एट द प्रेमाइसिस ऑफ द इंपोर्टर बहुत सिंपल है देखो अगर आप समझ रहे होंगे मेरे मेरे दिमाग के हिसाब से आप मेरे, मेरे लाइन थॉट के लाइन के हिसाब से साफ तो आप समझ रहे होंगे तो आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा कि आप क्या गुड्स एग्जैक्टली इंपोर्ट किए हो जो कि आप यूज करने वाले हो क्या गुड्स आप प्रोड्यूस करने वाले हो ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी एग्जैक्टली क्या कौन से एग्जemption नोटिफिकेशन आप बेनिफिट लेने वाले व्हाट इज द नंबर डेट ऑफ द एग्जemption नोटिफिकेशन एप्लीकेबल ऑन दैट इंपोर्ट व्हाट ये तो गुड्स का बात हो गया

इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनलेशनल इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड अगेंस्ट सच इंफॉर्मेशन फॉर आप जैसे ही अपना आई जी सी आर वन फॉर्म फाइल करोगे उसके अगेंस्ट में आपका एक आई आई एन नंबर जनरेट हो जाएगा दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट

कोई प्रॉब्लम नहीं है इन केस ऑफ चेंज इन डिटेल्स डिटेल इन द फॉर्म यू सच इंफॉर्मेशन कैन बी अपडेटेड आप आई वन में बदल सकते हो और आपका आई वन फाइल करते ही आपका एक आई नंबर जनरेट हो जाता है दैट इज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक है तो आपने आईजीसीआर वन फाइल कर दिया आपने आई नंबर आपका जनरेट हो गया नाउ वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू सबमिट द बॉन्ड

कमिश्नर ऑफ दी कस्टम्स दैट इज डेप्यूटी कमिश्नर और दी असिस्टेंट कमिश्नर यानी उन्हें अपना एक कंटिन्यूटी बॉन्ड बिकॉज ऑब्वियसली गाइस गवर्नमेंट आप पे बहुत ट्रस्ट करके आपको ये एग्जेमशन अलाउ करेगा कि फाइनली जब आप क्लियर जब फाइनली जब आप इंपोर्ट कर लोगे इंपोर्ट के बाद गवर्नमेंट बहुत ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर कि यू विल बी यूजिंग इट फॉर द एक्स पर्पज ऑफ मैनुफैक्चर और आउटपुट सर्विस और स्पेसिफाइड एंड यूज गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट करेगा तो इसलिए गवर्नमेंट आपसे कंटिन्यूटी बॉन्ड मांग रहा है विथ श्योरिटी और सिक्योरिटी वट एवर डीम्ड अप्रोप्रिएट

विद्योरिटी दैट आप ये जो भी इशू पे करोगे आप डिफरेंस अमाउंट जो भी आपका बचाया गया है जो आपने एग्जिमशन क्लेम किया है विल पे अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट कब से फ्रॉम द डेट ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द गुड जिसपे आपने एग्जिमशन क्लेम की और जिस दिन आपने एक्चुअल इंटायर ड्यूटी डिफरेंशियल ड्यूटी पे किया विच ही वॉज लायबल टू पे ठीक है आप पांच लाख का डिफरेंशियल ड्यूटी लाइबल टू पे था जिस दिन आपने पे किया और जिस दिन आपको आपने इम्पोर्ट की ठीक है डेट ऑफ इम्पोर्ट से लेकर डेट ऑफ पेमेंट डेट ऑफ डेट ऑफ इम्पोर्ट से लेकर डेट ऑफ पेमेंट इस बीच जो भी डिफरेंस आएगा आपको क्या करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा रूल नंबर फोर है डेट ऑफ इंपोर्ट से लेकर डेट ऑफ पेमेंट आपको पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा ठीक है कंटिन्यूटी बॉन्ड के साथ और यू विल गिव एन अंडरटेकिंग दैट आप डिफरेंस पे करोगे अब आते हैं रूल नंबर फाइव में दैट इज प्रोसीजर ठीक है आपने इंपोर्ट के समय आपने एक वन टाइम इंटीमेशन दे दिया आपने आईएन नंबर जनरेट कर लिया आपने कंटिन्यूटी बॉन्ड भी सबमिट कर दी अब नेक्स्ट ऑब्वियसली अब आपको फाइनली अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा ठीक है जहां पे आप सारे डिटेल दोगे

इसी से गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये जो कंसाइनमेंट तुम इंपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे जी सी आर वन फाइल कर चुके हो और तुम इसको एग्जिमिशन नोटिफिकेशन में लाना चाहते हो और तुमने भी सबमिट कर दिया है अकॉर्डिंगली क्या होगा ए सी जो भी है डिप्यूटी कमिश्नर बोलेंगे, और बोलेंगे जहाँ पे भी हो रहा है, इसको देख कर क्या किया जाएगा आपको एग्जिमिशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाएगा एंड वंस द बिल ऑफ एंट्री क्लियर फॉर होम कंजम्शन एक बार आपकी बिल ऑफ एंट्री क्लियर हो गई होम कंजम्पन होम कंजम्शन के लिए मतलब आपने क्लियरेंस करवा लिया तो बॉन्ड सबमिटेड बाई द इंपोर्टर

इंपोर्ट किया है और इस पर इसका बॉन्ड डेबिट हो चुका है बॉन्ड गवर्नमेंट ने ले लिया है जैसे उसकी बिल ऑफ एंट्री क्लियर होगी तो यू ऑप रूल नंबर फाइव प्रोसीजर टू बी फॉलोड अब यहाँ से इम्पोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इंपोर्टर को एग्जिमशन नोटिफिकेशन दे दिया गया है एग्जिमशन की बेनिफिट दे दी गई है अब इंपोर्टर को वो सारा काम करना पड़ेगा जो उसने प्रॉमिस किया था कि वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज करेगा एक्सपोर्ट या फिर मैनुफेक्चर uh, करेगा या आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करेगा सब कुछ उसका डिटेल्स वो जो भी लेकर गया है गुड्स अपने क्लियरेंस uh, के बाद उसको उसका सारा डिटेल्स रखना पड़ेगा कि उसने कितनी गुड्स इंपोर्ट की है उसने कब रिसीव किया है उसने कितना गुड्स कंज्यूम कर लिया है कितना गुड्स उसने जॉब वर्कर को भेजा है कितना गुड्स उसके पास वापस आया है कितना गुड्स हो सकता है वो री एक्सपोर्ट कर दिया है कितना गुड्स अभी भी उसके पास बचा हुआ है बेसिकली स्टोर्स लेजर की तरह उसको अपना सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा कि जो भी गुड्स मेरे पास आई है मैंने उसका क्या किया मैंने उसका क्या किया और मुझे इसका सारा डिटेल्स अपने डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को टाइम टू टाइम देना पड़ेगा जो कि मेरे प्रेमाइस के जुडिशनल ऑफिसर है मतलब जो भी मेरा प्रेमाइस है उसका जो जुडिशनल ऑफिसर होगा एसीडीसी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स आई हैव टू गिव द डिटेल्स टू दैट ए ठीक है ये आपको बेसिकली पूरा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आइए देखते हैं इंपोर्टर क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेगा आफ्टर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री रूल नंबर सिक्स में द इंपोर्टर शैल मेंटेन एन अकाउंट इन विच इन सच मैनर टू क्लियरली इंडिकेट द क्वांटिटी अकाउंट मेंटेन करेगा बेसिकली एक लेजर मेंटेन करेगा जिसमें क्वांटिटी का सारा डिटेल्स रहेगा सबसे पहले क्वांटिटी का डिटेल्स रहेगा एंड क्या क्या डिटेल्स रहेगा एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स वैल्यू ऑफ द गुड्स जो इसने इंपोर्ट किया है डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द गुड्स जो उसने इंपोर्ट किया है कब उसके प्रोमाइसिस में रिसीव हुआ गुड्स ठीक है रेलिवेंट प्रोमाइसिस ऑफ सच गुड्स कंज्यूम्ड ठीक है ऑफ गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क कितना गुड्स उसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा क्वांटिटी वैल्यू डेट ये तीन डिटेल उसको मेंटेन करना पड़ेगा क्या चीज क्वांटिटी वैल्यू एंड डेट क्या चीज का मेंटेन करना पड़ेगा कि गुड्स कित क्वांटिटी का गुड्स कंज्यूम हुआ क्या वैल्यू क्या, क्या क्या कौन से डेट का कितना उसका जॉब वर्क के पास गुड्स गया है गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क और उसका नेचर क्या कैरिड आउट हुआ है उसने क्या किया है गुड्स रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क रिटर्न कितना हुआ है जॉब वर्क से गुड्स एक्सपोर्टेड अपने बात करेंगे आगे अगर आप एक्सपोर्ट कर चुके हो क्लियर कराने के बाद तो कितना हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू बिल्स ऑफ एंट्री इसको उसका पूरा अकाउंट रखना पड़ेगा क्वांटिटी वैल्यू डेट क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड प्रोमाइस ऑफ द गुड कंज्यूम्ड ऑफ द गुड्स एंड फॉर जब वर्क ऑफ द गुड्स रिटर्न फ्रॉम जब वर्क री एक्सपोर्ट एंड क्लोजिंग स्टॉक उटपुट सर्विस यानी आपको एसी डी सी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब चाहे वो मांगे लेकिन मान लो जब आपकी गुड्स इम्पोर्ट हुई और आपको शॉर्ट क्वान्टिटी मिला मान लो आपको जितना आपने बिल्स ऑफ एंट्री में इम्पोर्ट किया था

मंथली स्टेटमेंट वो ऑलरेडी ये जो मंथली स्टेटमेंट फाइल करेगा आई जी सी आर किस में थ्री में इसको हर चीज यहाँ पर उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि वो कितना गुड जॉब वर्कर को भेजा है

तक मैक्सिमम अब द पीरियड इज द पीरियड फॉर विच द गुड्स कैन बी सेंट टू द जॉब वर्कर अब उसको सिक्स मंथ्स के ज़्यादा के से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकते हैं मैक्सिमम सिक्स मंथ्स के लिए आप उसको गुड्स सेंड कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इन ठीक है तो मैक्सिमम पीरियड कितना है मैक्सिमम पीरियड है सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इन ठीक है इनकेस द इम्पोर्टर इज नॉट एबल टू इस्टेब्लिश

को भेजा है या फिर दूसरे जॉब वर्कर को भेजा है जैसे इम्पोर्टर ने डायरेक्ट किया और फॉर कैरिंग द रिनेंग प्रोसेस अंडर द कवर ऑफ इनवॉयस रूल्स है अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है कि वॉट इज द डेट ही

ठीक है सी रूल्स में जॉब वर्कर की क्या अकाउंटेबिलिटी बोली गई है तो आई नो कि आप हंड्रेड परसेंट इसको पेस्ट नहीं कर सकते हैं बट आई एम श्योर कि आपको रहेगा तो आप ओवरऑल इस लिख पाओगे तो आपको डेफिनेटली फाइव में से थ्री थ्री एंड हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा गाइस यही अपने को मेन ट्राई करना है ठीक है तो ये क्या था सर अपना ये था अपना जॉब वर्क ओके दिस वॉज आवर जॉब वर्क रूल सिक्स ए नाउ अपने पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट वेरी सेम यूनिट ट्रांसफर अपने क्या पढ़ रहे हैं रूल सिक्स ए के बाद रूल सिक्स इंपोर्टर ने एक यूनिट एक यूनिट ए में अपना गुड्स इंपोर्ट किया था अब वो क्या कर रहा है कुछ गुड्स यूनिट ए में भी ट्रांसफर कर रहा है कुछ रॉ मेटेरियल यूनिट बी में भी ट्रांसफर कर रहा है तो जैसे ही वो दूसरे यूनिट में ट्रांसफर करेगा वहां पे भी उसको उसका सारा डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा और अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आई जी में उसे उसका सारा डिटेल्स बताना पड़ेगा

तो इसका ट्रू डिटेल्स इंपोर्टर को रखना पड़ेगा ये बस एक बार आप पढ़ लेंगे रूल नंबर सेवन क्या बोलता हैं ध्यान से देखेंगे मान लीजिए बेटा अपने, अपने गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर लिए आई जी सी आर वन अप्लाई कर दिए अपना आई जी सी आर टू अप्लाई हो गया या थ्री स्टेटमेंट्स फाइल कर रहे हैं बट जैसे गुड्स फैक्ट्री में आया हमें लगा कि बॉस ये तो डिफेक्टिव निकल गया क्या हो गया आप डिफेक्टिव गुड्स का बात कर रहे हो और आप अनयटिलाइज गुड्स का बात कर रहे हो ठीक है आप क्या बात कर रहे हो डिफेक्टिव गुड्स का बात कर रहे हो या फिर आप अनयुटिलाइज गुड्स का बात कर रहे हो ठीक है अगर आपने उसका क्लियरेंस करवा लिया मतलब आपने जो बिल ऑफ एंट्री फाइल की उसके बाद आपका जो गुड्स है वो अनयूटिलाइज गुड्स है बेसिकली या डिफेक्टिव गुड्स है उसकी आप क्लियरेंस करवा रहे हो मतलब आप जो गुड्स इंडिया में इम्पोर्ट किया आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए या फिर वो गुड्स डिफेक्टिव निकल गया आप उसको क्लियर कर रहे हो या फिर आप उसको रीएक्सपोर्ट कर रहे हो आप इंडिया के बारे उसको क्या कर रहे हो रीएक्सपोर्ट कर रहे हो ठीक है तो इसके ऊपर रूल नंबर सेवन के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे यानी अगर आपका गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद प्रॉपरली टाइम पे यूज नहीं हो पाया तो वो अनयूटिलाइज रह गया या फिर वो डिफेक्टिव निकल गया तो आप उसको क्लियर करा रहे हो सेल कर दे रहे हो कहीं पे या फिर आप इंडिया के बाद वापस से रीएक्सपोर्ट कर दे रहे हो तो आइए इसका एक बार प्रोविजन पढ़ते हैं इंपोर्टर हुज अवेल्डिट ऑफ दिस नोटिफिकेशन एनी एक्जिमशन नोटिफिकेशन शेल यूज द इंपोर्टेड गुड्स उसको टाइम दिया गया कि उसको इंपोर्टेड गुड्स यूज करना पड़ेगा एज पर द कंडीशन इन द एक्मशन नोटिफिकेशन विद इन सिक्स मंथस फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट उसको सिक्स मंथ के अंदर अंदर उस गुड्स को यूज करना पड़ेगा सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर विथ एंड विथ रिस्पेक्ट टू अनयूटिलाइज्ड और डिफेक्टिव गुड्स सो इंपोर्टेड द इंपोर्टर के पास ऑप्शन है कि वो या तो रीएक्सपोर्ट कर दे गुड्स या तो वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा दे विद इन दिस सिक्स मंथ्स मतलब मान लीजिए गुड्स इंडिया में आने के बाद डिफेक्टिव निकला है या फिर अगर वो अनयूटिलाइज है या डिफेक्टिव है तो गवर्नमेंट बोलता है आप सिक्स मंथ्स के अंदर ही उसको क्लियर कराओ या फिर आप उसको रीएक्सपोर्ट कर दो आपके पास यही ऑप्शन है अगर आप रीएक्सपोर्ट करते हो दूर री एक्सपोर्ट द गुड्स ही विल रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द नेसेसरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स इन द मंथली स्टेटमेंट मतलब वहां पे वो फिर वो फिर मंथली स्टेटमेंट में बताएगा कि मेरे पास ये जो गुड्स आया मैं सिक्स मंथ्स के पहले पहले मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया नाउ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आपने एक्सपोर्ट किया उसकी जो वैल्यू होगी दैट शेल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एट इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट के समय जो वैल्यू है और एक्सपोर्ट के समय है उसमें बहुत डिफरेंस एक्सपोर्ट के समय जो वैल्यू है उसकी जो वैल्यू होगी वो इम्पोर्ट के समय जो वैल्यू है उससे ज्यादा है वैल्यू ऑफ सच गुड्स फॉर एक्सपोर्ट शेल नॉट बी लेस दैन दैल्यू ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट तो वैल्यू ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट नॉट बी लेस दैन दैल्यू ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ

इंटरेस्ट के साथ एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ सच क्लियरेंस एंड द पेमेंट ऑफ ड्यूटी भी उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा मंथली स्टेटमेंट में आईजीसीआर थ्री ठीक है आईजीसीआर थ्री में उसको ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो टाइमली अगर पे टाइमली अगर पे नहीं करेगा ड्यूटी क्लियर नहीं कराएगा तो उसको डेफिनेटली इंटरेस्ट लग जाएगा अगर वो क्लियर करवाना चाहता है और अन और इफेक्टिव गुड्स फॉर होम कंजम्पन स्पेसिफाइड शैल पे द ड्यूटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड द ऑफ दिस विल बी रिकॉर्डेड इन मंथली स्टेटमेंट ठीक है नेक्स्ट इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आ सकता है ठीक है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आपके एग्जामिनेशन यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ठीक है ना क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर ध्यान से देखिए इंपोर्टर हैज एन ऑप्शन टू क्लियर द कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स का कैपिटल गुड्स अपने इंपोर्ट किया है तो मेरे पास ऑप्शन है स्पेसिफाइड पर्पज आई मे क्लियर द कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड आफ्टर बींग यूज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पज ऑन द पेमेंट ऑफ द ड्यूटी ठीक है यूज करने के बाद मैं क्लियर कर सकता हूं कैपिटल गुड्स on payment of duty equal to the difference between the duty leviable on the goods but for exemption and that already paid at the time of importation along with interest matlab jo bhi differential exempt matlab jo bhi exemption maine liya main agar uska payment kar deta hu with interest to main ye clear kara sakta hu main ye clear kara sakta hu on the Uh, जो भी मेरा ड्यूटी लगेगा वो डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे लगेगा इन स्ट्रेट लाइन मेथड ठीक है यहां से क्वेश्चन आ सकता है एक एग्जांपल करेंगे हम लोग मतलब आपने बेटा सुनो मेरा बात आपने जब इम्पोर्ट किया आपने एग्जिमेशन ले लिया ठीक है आप स्पेसिफाइड परपज के लिए यूज कर लिए आपका काम खत्म हो गया आपने एग्जिमशन ले लिया ठीक है अब आप बोलना चाह रहे यार आप क्लियर करा लेते हैं स्पेसिफाइड परपज का काम खत्म एग्जिमशन तो मैंने ले लिया आप क्लियर कराएंगे तो क्लियर कराने के टाइम पर ध्यान से सुनो क्लियर कराने के टाइम पर तो ड्यूटी लगेगा ना बाबा क्लियर कराने के टाइम पे तो ड्यूटी लगेगा बट पूरा अमाउंट पे तो नहीं लगेगा ना कि जब तुमने जिस वैल्यू पे इंपोर्ट किया था हो सकता है तुमने साल भर पहले इंपोर्ट किया साल भर पहले तुमने जिस वैल्यू पे इंपोर्ट किया था तुमने कस्टम ड्यूटी जितना भी पे करना तुमने पे कर दिया एग्जिबिशन अवेल कर लिया अब गवर्नमेंट बोलता है कि अब जब तुम वापस से उसको क्लियर क्लियर कराने वाले हो अगर तुम उसको क्लियर कराने वाले हो तो तुम्हें डिफरेंशियल ड्यूटी देना पड़ेगा लेकिन जो वैल्यू पे तुम दोगे ना

आप थ्री परसेंट अप्रिशिएट करेंगे आपका सोलह परसेंट तो यही हो गया थ्री 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 फोर इन टू थ्री ट्वेल्व परसेंट ये हो गया ट्वेल्व परसेंट ये हो गया आप बात हो कि नहीं हो और दो साल का जो आपका डेप्रीसिएशन है ट्वेंटी परसेंट ये हो गया और यहां पे जो है वो आपका एट परसेंट हो गया तो दिस इज हाउ यू विल डेप्रीशिएट द वैल्यू ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट और उस पर आप ये डेप्रीशिएटेड वैल्यू निकालोगे डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे रेट ऑफ ड्यूटी निकालोगे और डिफरेंस निकालोगे यहां पर क्या बोला है यहां पर बोला है कि ये जो क्वार्टर है ना दिस क्वार्टर विल बी फुल क्वार्टर फुल क्वार्टर आपको लेना पड़ेगा For purpose of computing the rate of depreciation for any part of the quarter, a full quarter shall be taken into. मतलब पार्ट दरअफ़ नहीं है। मतलब सोचो आपके लिए अगर full quarter नहीं होगा, full quarter आपके लिए मतलब अप्रैल to जून पूरा होगा तभी one quarter माना जाएगा वरना नहीं माना जाएगा। For computing the rate of depreciation for any part of the quarter, a full quarter shall be taken into account.

आप डेप्रिसिएशन तक से कब तक करोगे जब आप क्लियरेंस हो और जब आपने यूज किया है जब जब से आपने यूज़ करना स्टार्ट किया है, आपको बताया दिस विल बी रिकॉर्डेड इन मंथली स्टेटमेंट ऑल्सो द इंपोर्टर रिलेटेड टू दिस रिकॉर्ड द पर्टिकुलरेंस एंड पेमेंट ऑफ द ड्यूटी इन द मंथली स्टेटमेंट इन मंथली स्टेटमेंट Am I clear on this? Sir, इसका एक जब तक आप एग्जाम्पल नहीं कराएंगे ना तब तक हमें जब तक आप एग्जाम्पल नहीं कराएंगे। तो चलो बेटा एग्जाम्पल एक, एक आप लिखो एग्जाम्पल एक लिखिए एक्स लिमिटेड यही पे लिख लेना एक्स लिमिटेड imported कैपिटल गुड्स अंडर आई जी सी डी आईजीसीआर रूल वर्थ रूपीज टू करोड़ वर्थ रूपीज टू करोड़ फ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ ट्वेंटी लैक्स ऑन टेंथ ऑक्टूबर ट्वेंटी टू आपने बीस लाख का ड्यूटी पे किया है ऑन टेंथ ऑक्टूबर ट्वेंटी टू एंड ड्यूटी कंसेशन इस रूपीज टेन लाख और आपको ड्यूटी का जो कंसेशन मिला था वो दस लाख मिला था कैपिटल गुड्स केम इनटू यूज केम इनटू यूज एज पर एक्जन नोटिफिकेशन एज पर एग्जिमशन नोटिफिकेशन जो कैपिटल गुड्स यूज में आया वो फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी थ्री से आया आपने इंपोर्ट कर लिया था पहले ही ड्यूटी पे कर दिया था ड्यूटी कंसेशन भी ले लिया था बट यूज किया फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी थ्री से एक्स लिमिटेड क्लियर द गुड्स Clear the goods after using for specified after using for specified end use is sorry on 15th June 23 X limited clear the goods after using for specified and use on 15 June 23 custom duty rate is 15% find the difference find the difference between the duty leviable but for exemption availed find the difference between the duty leviable but for exemption availed Along with interest, along with interest, okay, differential, differential payment of duty was paid on. थर्टीय जून ट्वेंटी थ्री डिफरशियल पेमेंट ऑफ ड्यूटी थर्टी जून ट्वेंटी थ्री ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊ आपने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया टू करोड का आपने ड्यूटी पे किया ट्वेंटी लैक्स का आपको टेन लाख का ड्यूटी कंसेशन मिला आप यूज करें कैपिटल गुड्स फॉर स्पेसिफाइड पर्पस एक जनवरी को आपने क्लियर कराया फिफ्टीन जून को आपका कस्टम ड्यूटी रेट था पंद्रह परसेंट आपको बताना है कि भैया जब तुम क्लियर कराओगे कितना ड्यूटी दोगे इंटरेस्ट के साथ और तुम्हें डिफरेंशियल ड्यूटी बता दिया कि तुमने पे किया तीस जून तक ठीक है तो इंटरेस्ट भी पूछा है और आपको पूछा है तुम्हारा डिफरेंशियल ड्यूटी कितना आ रहा है ठीक है तो डिफरेंशियल ड्यूटी कितना आएगा ये हम कैसे बताएंगे सर ये हमें कैसे बताना होगा ये हमें बताना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी सबसे पहले हम कस्टम ड्यूटी निकालेंगे डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे ठीक है किसमें निकालेंगे कस्टम ड्यूटी हमें निकालना पड़ेगा डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी हमें निकालना पड़ेगा डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे वो हम निकाल लेंगे फिर उसके बाद हम बता लेस कर देंगे ड्यूटी ऑलरेडी पेड आपने जो ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दिया है एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट आपने ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दिया है एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ट्वेंटी लैक्स का तो अब आपका डिफरेंस कितना आएगा डिफरेंस ऑफ ड्यूटी टू बी पेड डिफरेंस ऑफ ड्यूटी टू बी पेड ये आपका डिफरेंस आएगा यही आपको बताना था ठीक है अब अपने सबसे पहले क्या कर ले अब सबसे पहले एक बार नोट बना ले ये नोट नोट में कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा कि भैया सबसे पहले तो डेप्रीशिएटेड वैल्यू क्या है ये बताओ क्योंकि उसी में आपकी कस्टम ड्यूटी निकलेगी आपकी डेप्रीशिएटेड वैल्यू क्या है ये बताओ तो डेप्रीशिएटेड वैल्यू कितना है टू करोड़ का वैल्यू ऑफ गुड्स था टू करोड़ का वैल्यू ऑफ गुड्स था टेंथ अक्टूबर को आपने क्या किया इंपोर्ट किया ये अपने को मतलब नहीं है अपने को देखना यूसेज पीरियड कब है फर्स्ट जनवरी यूसेज पीरियड कब है फर्स्ट जनवरी यूसेज पीरियड है फर्स्ट जनवरी तो टू करोड़ माइनस टू करोड़ यूसेज पीरियड कितना है पीरियड इज फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी थ्री से लेकर आपने क्लियर कब कराया पंद्रह जून आपने क्लियर कराया पंद्रह जून ट्वेंटी थ्री जो कि आपको दो क्वार्टर देता है विच इज वॉट विच इज टू क्वार्टर्स ठीक है जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मई जून टू क्वार्टर्स तो टू करोड़ माइनस टू करोड़ अब टू क्वार क्वार्टर्स है तो फर्स्ट क्वार्टर में अपने क्या पढ़े थे फोर फोर परसेंट पर क्वार्टर का आपको रेट लेना है तो टू करोड़ इंटू क्या क्लियर है तो अल्टीमेटली नाइनटी टू परसेंट ले लो एक ही बात है इसका अगर हम नाइनटी टू परसेंट लेते हैं तो वी आर गेटिंग हाउ मच वी आर गेटिंग वन पॉइंट एट फोर करोड यही हो गया ना सिंपल है बेटा बीस दो करोड़ की वैल्यू दस अक्टूबर को थी तो वन पॉइंट एट फोर करोड़ की वैल्यू हो जाएगी पंद्रह जून यानी तीस जून को क्योंकि इसी दिन को आपकी ड्यूटी लगेगी जब आप क्लियर करवा रहे हो तो आपको डेप्रीशिएटेड वैल्यू लेना पड़ेगा तो वन पॉइंट एट फोर करोड़ की आपकी वैल्यू हो गई अब जो आपकी वन पॉइंट एट फोर करोड़ की वैल्यू हो गई तो अब आप आराम से इसके ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी कितना है पंद्रह परसेंट तो इसका पंद्रह परसेंट कितना होगा ट्वेंटी सेवन लाख सिक्सटी थाउजेंड इसका पंद्रह परसेंट होगा ट्वेंटी सेवन लाख सिक्सटी थाउजेंड तो आप ट्वेंटी सेवन लाख 60,000 का आप एक कस्टम ड्यूटी निकाल लोगे ऑन डेप्रीशिएटेड वैल्यू कि आपकी ट्वेंटी सेवन लाख सिक्सटी थाउजेंड की ड्यूटी बनती अगर आप पंद्रह जून को क्लियर करा रहे हो जिसमें से आपने बीस लाख ,00 का ड्यूटी पेमेंट कर दिया है तो अब आपको जो डिफरेंशियल ड्यूटी पे करना है वो है सेवन लाख सिक्सटी थाउजेंड अब आपको जो डिफरेंशियल ड्यूटी पे करना है वो है सेवन लैख सिक्सटी थाउजेंड अब आप किसके इंटरेस्ट कितना पे निकलेगा? 15 कब अपने बोले थे पीरियड कब से फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी हाँ पीरियड कब से कब तक करेंगे इंटरेस्ट कब, कब से कम निकलेगा सर डेट व्हेन द यूज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस डेप्रीसिएशन है ठीक है इंटरेस्ट कब से कब तक का करेंगे ऑन द डेप्रीटेड वैल्यू इन दिस दिस टाइम ऑफ इंपोर्टेशन इम्पोर्टर शैल है? तो यहाँ पर आपने बेसिकली जिस दिन आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया मतलब जिस दिन आपका मंथ आया ठीक है आपको एक चीज समझना पड़ेगा इसमें आपको इसमें एक चीज समझना पड़ेगा यहाँ पर इंटरेस्ट का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग 28 डबल ए वाले इंटरेस्ट के सेक्शन में पढ़े थे दैट व्हेनेवर योर इंटरेस्ट ऑन कस्टम ड्यूटी हैज टू बी पेड इट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन व्हिच द ड्यूटी वाज ऑट टू बी पेड ठीक है फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ

आपका जो पीरियड है जिसमें आपका ड्यूटी पेबल होगा वो कब से ड्यूटी पेबल होगा वो होगा फर्स्ट नवंबर 2022 से आपका ड्यूटी पेबल होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट आपका फर्स्ट नवंबर से ही लगेगा अक्टूबर में आपने क्लियर कराई नवंबर से आपका इंटरेस्ट लगेगा कब तक लगेगा सर जब तक आपका ड्यूटी पे नहीं हो जाता यहाँ पे ड्यूटी बोला आपने थर्टी जून को पेमेंट किया है तो फर्स्ट नवंबर से लेकर थर्टियथ जून 23 आपका कितना नंबर ऑफ डेज है फर्स्ट नवंबर 22 से लेके 30 जून 23 तो नवंबर कितना हुआ 30 हुआ दिसंबर कितना हुआ 31 हुआ जनवरी 31 फरवरी 28 मार्च 31 अप्रैल 30 मई 31 और जून 30 तो यहां पर हो गया आपका 242 डेज आपने 242 डेज का डिले किया है तो 242 बाई 365 242 बाई 365. तो सात लाख सेवन लाख सिक्सेंड की आपकी डिफरेंशियल ड्यूटी बनती है उस पर आपका इंटरेस्ट आ रहा है कितना पंद्रह परसेंट आ रहा है और ये जो डीले आपने किया है टू फोर्टी टू डेज का डीले किया है तो इस डीले के हिसाब से आपकी जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनती है वो है सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटी फोर आपकी इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनती है सेवेंटी फाइव थाउजेंड 584 75584 आपकी इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनती है और इसी के हिसाब से आपको आपकी कस्टम ड्यूटी का जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा तो कस्टम ड्यूटी कितना पेमेंट करना पड़ेगा 760000 और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना पे करना पड़ेगा 75584 75584 आपको इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ठीक है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैसे निकाला जाता है और उसके ऊपर आप डिफरेंशियल कैलकुलेशन करके उस पर ड्यूटी अमाउंट निकाल लेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेंगे फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ हमेशा इंटरेस्ट निकलेगा ठीक है सर नेक्स्ट आते हैं रूल एट में रूल एट इज सिंपल कि अगर मान लो आपने आ, कोई भी कॉन्ट्रीवेंशन किया तो ड्यूटी कैसे रिकवर किया जाएगा ये तो अपने को पता ही है डिफरेंस वाला पे करो और इंटरेस्ट पे करो ठीक है ये देखो यही पे अपने एक बार देख लेते हैं रिकवरी ऑफ ड्यूटी इन सर्टेन केसेस रूल नंबर एट ठीक है आपको याद होगा ऊपर में भी अपने पढ़े थे जॉब वर्क वाले केसेस में जहां पे रूल एट का रेफरेंस आया था ठीक है देखो

क्लियर नहीं कराए अगर आपने टाइमली क्लियर नहीं कराया सेवन थ्री क्या है अगर आपने होम कंजम्शन में क्लियर नहीं कराया ठीक है या फिर आपने कैपिटल गुड्स को क्लियर नहीं कराया ठीक है 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 ये दोनों का बात यही है। रूल 7 का बात बात यही रूल कर रहा है कि अगर आपने इसका प्रोविजन वायलेट किया राइट आपने आ, इम्पोर्टर फेल कर गया आ, इम्पोर्टर फेल कर गया टू तो कम्प्लाई कंडीशंस और द पेमेंट उसने जो किया वो पे नहीं किया या शॉर्ट पे किया जो डिफरेंशियल ड्यूटी उसने वो पे नहीं किया

From the period starting from the date of the import of the goods on which the exemption was availed and ending with the date of the actual payment of the entire amount of the difference of duty that the importer is liable to pay. Import the date on which the exemption was availed and ending with the date of the actual payment of the entire amount of the difference of duty that the importer is liable to pay. Okay? That the importer is liable to pay. For the period starting from the date of import of the goods on which the exemption was availed and ending with the date of actual payment of the entire amount of the difference of the duty that the importer is liable to pay. Notwithstanding anything specified in these rules in relation to removal and processing of imported goods for job work.

गुड्स उसी स्पेसिफाइड के लिए यूज़ हुआ है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो डीसी विल इंश्योर शैल टेक एक्शन अंडर दिस रूल्स विदाउट विदाउटाइज टू एनी अदर एक्शन बी अंडर कस्टम्स एक्ट और एनी अदर एक्ट मतलब इस रूल्स में जो भी रिकवरी दिया है वो उसको रिकवर करेगा एज पर रूल नंबर एट नेक्स्ट बेटा रूल नंबर एट ए है जो पेनल्टी के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पे टू लाख तक की पेनल्टी इंपोज की जा सकती है ठीक है आप लिख सकते हो ये बेसिकली एक जनरल पेनल्टी है जो सेक्शन 158 ऑफ द कस्टम्स एक्ट में है कि अगर आप कोई भी वायलेशन कर रहे हो एनी रूल रेगुलेशन का एज पर कस्टम रूल्स तो यू मे बी लायबल टू अ पेनल्टी अप टू ₹2 लाख तो इंपोर्टर और अ जॉब वर्क कर if contravenes any of the action of these rules or uh, abet such con contravention shall be liable to a penalty on an amount specified under clause 2 of sub section 2 of section 158 without prejudice to any other action which may be taken under the act rules or there under matlab yahan pe penalty amount bas aap yahan likh lena penalty up to 2 lakhs may be levied theek hai दो लाख तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है अगर आप ये रूल को वायलेट करते हो किसी भी रूल को वायलेट करते हो अंडर दिस पर्टिकुलर रूल्स आईजीसीआर तो ये था अपना पेनल्टी अमाउंट ये था अपना रिकवरी अमाउंट ये था कैपिटल गुड्स ठीक है रूल नंबर सेवन रूल नंबर सिक्स था यूनिट ट्रांसफर सिक्स बी सिक्स ए था जॉब वर्कर का प्रोसेस ठीक है फाइव क्या रिकॉर्ड्स मेंट सिक्स क्या था रिकॉर्ड्स मेंटेन करना सिक्स सिक्स से सिक्स बी ए याद रखना फाइव क्या था बिल ऑफ एंट्री फाइल करना फोर क्या था प्रायर इंफॉर्मेशन देना थ्री क्या था डेफिनेशन टू क्या था एप्लीकेशन ठीक है तो ये था अपना इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल डेट ऑफ ड्यूटी रूल टू थाउजेंड सेवेंटीन अब आप देखो नो सेम चीज लगभग आपको देखेगा खाली मैं आपको डिफरेंसिस के ऊपर हाईलाइट करा दूंगा ठीक है नो न्यू रूल कम विदन न्यू मॉडिफिकेशन कस्टम इम्पोर्ट ऑफ गुड एट कंसनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज रूल्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल डेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज रूल्स 2022 तो so, सबसे पहले ये वर्ड है स्पेसिफाइड एंड यूज वाला बर्थ ऐड किया गया रूल्स रूल टू में देखिए

आउटपुट सर्विस और यहाँ पे एक नया वर्ड क्या ऐड हो गया है और बीइंग पुट टू अ स्पेसिफाइड एंड यूज ये पहले नहीं था पहले पे खाली मैन्युफैक्चर था आउटपुट सर्विस था अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या ऐड कर दिया है और फॉर अ स्पेसिफाइड एंड यूज अगर आप एक स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए भी अगर कमोडिटी इम्पोर्ट की और जिसके ऊपर एग्जन मिलता है तो भी आपको यहाँ पर वो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा ठीक है कैप गुड्स का डेफिनेशन सेम है जॉब वर्ग का डेफिनेशन सेम है अच्छा डेट ऑफ इंपोर्ट का मीनिंग क्या है

एंड इट इंक्लूड तुम एक सप्लाई करो इंटेंडेड पर्सन को मतलब लो कि बोलता है कि अगर तुम ये में करके एसड को सप्लाई करेगा तो तुमको एडवांटेज देंगे तुमको हम एग्जे देंगे तो ये क्या हुआ स्पेसिफाइड एंड यूज हुआ कि यू आर डीलिंग विद्स इम्पोर्टेड इनर स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एंड इसका मतलब इंटेंडेड पर्सन It also includes supply to an indented person, and the term end use recipient shall be used accordingly. Matab, end use recipient mere example SEZ unit. and specified end use kya ho gaya? process ko bolte hai, us supply ko bolte hai, jo ki intended person ko supply. So specified end use means dealing with the goods imported in the prescribed manner and it includes supply to the intended person, and the term end use recipient shall be construed accordingly.

यहां पे ऐड क्या हुआ ये डिटेल्स ऑफ द एंड यूज रेसिपियंट इन केस वे गुड्स इंपोर्टेड आर सप्लाइड फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज अगर आप स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए अगर ये एग्जामिशन ले रहे हो तो आपको उसका एंड यूज रेसिपियंट का डिटेल देना पड़ेगा एंड यूज एंडियंट मतलब किसको ये सप्लाई किया जाएगा वे द गुड्स इंपोर्टेड आर सप्लाइड फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज पे आपको उनका भी डिटेल देना पड़ेगा ये सब रूल टू एकदम सेम है ठीक है ये सब रूल थ्री भी बिल्कुल सेम है हर जगह यहां पर क्या आ रहा है हर जगह यहां पे स्पेसिफाइड एंड यूज आ रहा है ठीक है बस यहां पे अलग से क्या ऐड कर दिया गया स्पेसिफाइड एंड यूज ठीक है ठीक है बाकी अंडरटेकिंग आप वही लोगे डिफरेंशियल पे करोगे विद इंटरेस्ट ठीक है अब यहां पर देखो in all cases where the notification is other than the one that provides an exemption benefit, aggarqui case the amount will be equal to the accessible value of the goods imported. bond rega. bond rega. accessible value of the imported goods. If नोटिफिकेशन दट प्रोवाइड्स ड्यूटी एक्जन अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूटी लेल इनपुट्स बट फॉर एक्जन ऑलरेडी पेड दिस 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 फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट एंड एंडिंग डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ द डिफरेंस इन ड्यूटी इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लग जाएगा लेकिन इनकेस विद नोटिफिकेशन इज अदर देन द वन दट प्रोवाइड एन एजेंशन बेनिट तो अमाउंट क्या हो जाएगा एसेसेबल वैल्यू ऑफ दी गुड्स इंपोर्टेड

क्वांटिटी 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 सब कुछ सेम है कोई डिफरेंस नहीं है कोई भी डिफरेंस नहीं है ठीक है ठीक है आई जी सी आर टू मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपका नॉन रिसीट है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा मतलब आई जी सी आर टू मेंशन करना पड़ेगा थ्री मैंने पढ़ाया था ये डिफरेंट है थ्री मैंने पढ़ाया था ये डिफरेंट है थ्री क्या मंथली स्टेटमेंट अब थ्री ए क्या है इंपोर्टर में सबमिट द डिटेल्स ऑफ द गुड्स कंज्यूम्ड इंपोर्टर जो गुड्स का कंज्यूम डिटेल्स है वो थ्री ए में सबमिट करेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम थ्री मतलब मतलब ए वाला जो फॉर्म है वो सबमिट करके अपना बॉन्ड का जो अमाउंट है वो रिक्रेडिट कर सकता है क्योंकि मान लीजिए उसका बॉन्ड पहले डेबिट हो गया ठीक है क्योंकि उसने ड्यूटी पे नहीं किया था अब मान लीजिए जैसे जैसे वो यूज करेगा गुड्स उसको एक्जेम्स रिक्रेडिट किया जाएगा उसको एक्सिबिशन क्या किया जाएगा रिक्रेड किया जाएगा तो के लिए वो 3A, जो 3A वाला है, वो फॉर्म फॉर्म जो वाला है है सबमिट कर सकता बिकम अ पार्ट ऑफ द मंथली स्टेटमेंट ऑफ द दब्सिक्वेंट मंथ आई रिपीट मान लीजिए आपका तो टेंथ ऑफ द नेक्स्ट मंथ है ठीक है बीच में अगर आपने कोई भी तरह का गुड्स कंज्यूम कर लिया स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए या मैनुफेक्चरिंग के लिए एक्सपोर्ट के लिए या फिर आउटपुट सर्विस के लिए तो आप फॉर्म थ्री ए में कभी भी सबमिट कर सकते हो फॉर इमीजिएट री क्रेडिट ऑफ द बॉन्ड ठीक है बेनिफिट मिला है आपको रूल्स टू में फॉर्म थ्री याद रखेंगे यहां पर रूल सिक्स के बाद सीधा रूल सेवन है और उसके बाद यू रूल एट है मतलब बेसिकली शॉर्ट में अगर मैं बात करूं जो सिक्स ए और सिक्स बी था वो इन्होंने रूल सेवन और रूल एट कर दिया और कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है प्रोसीजर क्या है प्रोसीजर क्या है सर प्रोसीजर फॉर अलाइंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क ठीक है सब कुछ सेम है कोई भी डिफरेंस नहीं है द मैक्सिमम पीरियड फॉर द गुड्स व्हिच कैन बी सेंट टू द जॉब वर्क शैल बी 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस ये अपने पढ़ चुके हैं इन केस द इंपोर्टर इज नॉट एबल टू एस्टैब्लिश तो यहाँ पे आपको पता ही है जुडिशियल कमिश्नर जो है वहां पर अपने क्या पढ़े थे रूल एट एंड रूल एट ए पढ़े थे याद होगा और पे चीज़ चीज़ क्या हो जाएगा? Rule 11 Rule 12 हो जाएगा. चीज़ क्या हो 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 जाएगा 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 एंड एंड जॉब वर्कर सेम है yes. यह भी सेम है रूल एट में भी सेम है प्रोसीजर फॉर अलाउिंग क्या इंपोर्टेड गुड्स फॉर यूनिट ट्रांसफर कोई डिफरेंस नहीं है सब कुछ सेम है सर बेनिफिट समझ में आया हाँ सर अब आपका मतलब समझ में आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है दिस इज न्यू बट ये भी सेम लाइंस में है ये पहले नहीं था ये पहले था ही नहीं ना प्रोसीजर फॉर सप्लाइंग गुड्स टू स्पेसिफाइड एंड यूज रेसिपियंट ये न्यू है सर प्रोसीजर फॉर सप्लाइंग इंपोर्टेड गुड्स टू स्पेसिफाइड एंड यूज रेसिपियंट

जनरेटेड अकाउंट डिटेल्स बिफोर द कमिश्नर प्रोड्यूस करना पड़ेगा रेलिवेंट डिटेल्स जो है इम्पोर्टर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द बेनिफिट एन द नोटिफिकेशन मतलब वो ये प्रूफ देगा इम्पोर्टर को कि ये मैंने आपका जो गुड्स है वो स्पेसिफाइड पर्पज के लिए यूज किया है एंड यूज रेसिपियंट जो है मैं हूँ और इसी वजह से आपको भी एग्जामेशन मिल जाएगा तो आप उसका बेनिफिट ले लीजिएगा तो ये नया रूल है बेटा रूल नंबर नाइन

The importer who has availed the benefit of the notification shall use the goods imported in accordance with the conditions mentioned in the notification within the period and with respect to this, so imported, the importer shall have option either to re-export or clear. Kitne din mein? Namely, jitna period notification mein mentioned hai, mena, 4 six months from the date of the import where the time period is not specified in the notification. Aap dena. the period of 6 months can be further extended by the commissioner for a no period not exceeding 3 months ye pehle nahi tha ki jo 6 months ka period hai commissioner chahe to usko 3 months aur extend kar sakta hai if the sufficient reason is shown that the causes for not conforming to the time period were beyond the importer's control ठीक है commissioner को time दिया गया है कि अगर आप सिक्स अगर वो सिक्स months के अंदर export या फिर clear नहीं करवा पाया तो वो थ्री months के अंदर तो वह तो वह थ्री months के अंदर तो वो थ्री मंथ्स के अंदर अंदर क्या करेगा वो करेगा तो द सेट पीरियड ऑफ सिक्स एक्सटेंडेड बाय जुडिशियल कमिश्नर फॉर अ पीरियड नॉट नॉट मंथ्स इफ सफिशिएंट रीजन शोन द फॉर कन्फर्मिंग टू द टाइम पीरियड वर बियॉन्ड द इम्पोर्टर्स कंट्रोल एम आई क्लियर ऑन दिस अब आप देखो यहां पर और उसमें क्या फर्क है ठीक है ये रूल नंबर टेन और उसके ऊपर क्या फर्क है एक बार अपने देखते हैं देखिए यहां क्या लिखा है द इम्पोर्टर हैज टू ऑप्शन टू री एक्सपोर्ट और क्लियर द होम कंजम्शन विद इन द पीरियड ठीक है विद इन द पीरियड दीरियड इन देंशन विद इन सिक्स इम्पोर्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू द और डिफेक्टिव गुड्स इंपोर्टेड द इंपोर्टर द ऑप्शन आईदर टू री एक्सपोर्ट सच गुड्स और क्लियर द होम कंजन विद इन द सेट पीरियड मतलब यहां पर भी है सिक्स मंथ यहां पर भी है और सिक्स मंथ यहां पर भी है सिक्स मंथ पर है इन दिस सिचुएशन आल्सो कि या तो आप नोटिफिकेशन में बताए हुए टाइम लिमिट में या तो सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट अगर नोटिफिकेशन नहीं बताया है और ये जो सिक्स मंथ्स का टाइम लिमिट है ये आप थ्री मंथ्स और बढ़ा सकते हो एनी री एक्सपोर्ट ऑफ द अनयूटिलाइज और डिफेक्टिव गुड शैल बी रिकॉर्डेड बाई द इम्पोर्टर इन द मंथली स्टेटमेंट वो क्या करेगा मंथली स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेगा सेम वैल्यू विल नॉट लेस बी देन द वैल्यू एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट ठीक है सेम यहां पर भी इंपोर्टर जो क्लियर कराना चाहता है अनयूटिलाइज्ड और डिफेक्टिव गुड्स दे विल हैव एन ऑप्शन टू वॉलंट्री पे द ड्यूटी अलॉन्ग विध इंटरेस्ट ठीक है वॉलंट्री पे द ड्यूटी अलॉन्ग विध इंटरेस्ट एंड द ड्यूटी पेमेंटेड बाई द इम्पोर्टर इन द मंथली स्टेटमेंट सेम यहां पर भी इम्पोर्टर किसी को क्लियर कराना है सेम इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सब कुछ सेम है फोर थ्री थ्री टू पॉइंट फाइव एंड टू ठीक है सब कुछ सेम है इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है सब कुछ सेम है ओके देर इज नो डिफरेंस देर इज नो डिफरेंस रिकवरी ऑफ ड्यूटी इन सर्टेन केसेस ओके अगर आपने ड्यूटी पे नहीं किया शॉर्ट पे किया ओके okay, इंपोर्टर ने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की तो डी सी ए सी डी सी ए सी विल वॉट द डीसी विल टेक एक्शन बाइन वोकिंग द बॉन्ड टू इनिशियट द रिकवरी प्रोसीडिंग कितना का जितना डिफरेंशियल ड्यूटी बनता है अगर उन्होंने एग्जम्पन लिया अगर अदर देन कोई एग्जेपन नोटिफिकेशन है तो जो भी एसेसिबल वैल्यू ऑफ द गुड्स उन्होंने इंपोर्ट की मतलब मान लो एग्जेपेशन हंड्रेड परसेंट ही मिल गया तो जो भी एसेसिबल वैल्यू ऑफ द गुड्स उन्होंने इंपोर्ट की उस पर उनका जो ड्यूटी अमाउंट है वो रिकवर किया जाएगा ठीक है और ये अपने ओवरऑल पढ़ ही चुके हैं ओवर कर देगा ये सब चीज़ को ए सी जो भी करेगा वो बॉन्ड रिकवर कर लेगा और सारे रेगुलेशन जो है वो ओवर करेगा इसमें स गाइज ओवरऑल पढ़ लीजिएगा अगेन आई एम टेलिंग आज तक इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए हैं अपने खाली एक फॉर्मेलिटी uh, के लिए इसको एक बार पढ़ रहे हैं ओवरऑल गो थ्रू कर लीजिएगा दैट्स इट पेनल्टी अमाउंट एकदम सेम है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है सेक्शन वन फिफ्टी एट टू क्लास टू का पेनल्टी लगेगा विच इज अप टू लैक्स सेक्शन एट क्लास टू का पेनल्टी लगेगा विच इज अपू टू लैक्स लास्ट पे रूल ऐड किया गया है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब क्या? बेसिकली का जो है न, वो 2, 1996 का भी एक, एक, एक रेफरेंस तो आप लोगे आप कहीं पे भी कोई भी रेफरेंस एक दूसरे के रूल्स के साथ आप ले सकते हो तो रेफरेंस इन एनी रूल नोटिफिकेशन सर्कुलर इंस्ट्रक्शन ट्रेड नोटिस परसुए टू दिस रूल 96 सिक्स

फॉर यू पीपल मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको एक छोटा सा जो पी डी एफ है आपको मैं शेयर करने वाला हूँ जिसमें ओके जसगिम्या मिनट आपको एक छोटा सा पी डी एफ मैं शेयर करा हूँ जिसमें आपको पूरा डिटेल्स में यू you नो know, बताया जाएगा जसगम्या मिनट ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ठीक के रखा है ठीक है कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017 और इसमें जितने भी बाद में 2022 में अमेंडमेंट्स है सब कुछ यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है कि इस पूरे प्रोसीजर में क्या क्या होता है ठीक है स्टेप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और लास्ट में स्टेप नंबर टेन

अब इंपोर्टर को क्या करना पड़ता है दे हैव टू मेंटेन ऑल द वैल्यू रिकॉर्ड्स दे विल प्रोड्यूस द सेट अकाउंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द एसीडीसी एंड द गुड्स इंपोर्टेड शैल बी पुट टू यूज फॉर मैन्युफैक्चर और फॉर आउटपुट सर्विस स्टेप फोर इन केस ऑफ नॉन रिसीड और शॉर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टर हैव टू इट इन आईजीसीआर है Step 5 The importer shall submit a monthly statement in IGCR 3 the details of goods imported, consumed, re exported, uh, pending for clearance on the payment of duty, along with goods sent for job work and unit transfer details by 10th of the next month. Step 6 The goods sent for job work for further processing and return back within 6 months from the date of invoice, wherever applicable and e should be issued. Goods can be sent to unit transfer on the under invoice or e-vable. Step 7 यूज इम्पोर्टेड गुड्स विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट अगर आपने इम्पोर्ट किया है तो उसे सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर आपको यूज करना पड़ेगा अनयूटिलाइज इफेक्टिव गुड्स आइर री एक्सपोर्ट करो या क्लियर करो फॉर होम कंजम्पशन विद इन सिक्स मंथस इनकेस ऑफ री एक्सपोर्ट अगर आप करते हो तो वैल्यू ऑफ री एक्सपोर्ट शुड नॉट भी लेस दिन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट गुड्स इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स आप क्लियर करा सकते हो आफ्टर बीग यूज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पज ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द डेप्रीशिएटेड वैल्यू फर्स्ट ईयर में चार परसेंट पर क्वार्टर सेकेंड और थर्ड ईयर में थ्री परसेंट पर क्वार्टर टू क्वार्टर सॉरी टू पॉइंट पर क्वार्टर फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर में टू परसेंट पर क्वार्टर इफ अगर आपने ड्यूटी पे नहीं किया तो जुडिशियल ए सी विल टेक द एक्शन टू रिकवर द ड्यूटी एज पर सेक्शन ट्वेंटी और लास्ट में अगर या uh, जॉब वर्कर कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्राविन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी आ जाएगा एज पर

to expand the scope of application the igcr rules 2022 have been notified while retaining the basic counters of 2017 rules the changes are of the nature that they have broadened the scope of coverage of ic igcr and ensure that useful additional data fields are effectively captured okay salient changes care first of all clarify the time period of utilization to be the टाइम पीरियड फॉर कंप्लाइंस एंड ब्रिंगिंग इन अ प्रोविजन टू एक्सटेंड द पीरियड इन सर्टेन केसेस फॉर रीजंस मतलब याद है थ्री मंथ्स का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर आपने सिक्स मंथ्स के अंदर आप नहीं यूज कर पाए तो आप थ्री मंथ्स के अंदर भी क्लियर करवा सकते हो ठीक है एक रीक्रेडिट का जो आपको याद होगा आई जी एक रीक्रेडिट का एक प्रोविजन इंट, इंट्रोड्यूस किया गया रैदर देन वेटिंग टिल द टाइम ऑफ फाइलिंग द मंथली स्टेटमेंट जो कि अगले महीने की दस तारीख है Expanding the scope of IGC, IGCR to specified end use also. Previously, uh, uh, output service ke liye hai aur manufacturing ke liye, But up specified end use ke liye bhi IGCR ka process applicable tha. That is apart from those pertaining to manufacturing and for output service. In case of end use, in case of supply to end use recipient, the nature of supplies to be captured in IGCR automated module. ठीक है चेंज इन द फॉर्म्स टू कैप्चर द डिटेल्स फॉर इंटेंडेड इज द द द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यूजिंग गुड्स इंपोर्टेड फॉर्म्स में भी दिया हुआ है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो यूजिंग द इंपोर्टेड गुड्स तो वहां पे भी आपको ये रूल्स की बेनिफिट मिल जाएगी ठीक है सर और रूल नंबर थर्टीन ऐड किया गया है कि कोई भी रेफरेंस अगर कोई भी पुराने रूल से लेना है तो आप रूल में ले सकते हो दिया हुआ है कि आप अगर इस टाइम पीरियड में आ, यूज करो तो आपको उसी टाइम में यूज करना पड़ेगा नहीं दिया हुआ है तो सिक्स मंथ अप्लाई होगा ये आई जी सी आर रूल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में दिया है ठीक है Further, multiple representations have been received in the board regarding the inability to utilise the goods within the price prescribed period of six months. In order to facilitate that, a provision has been introduced where commissioner can extend the period of six months by another three months. It is clarified that such extension can be given provided that importer furnishes reasons for not conforming to the time period so prescribed. Okay. Specified end use. I have told you that you have to use. Ki, records. Bhi That's it guys. तो ये था आपके कुछ specified rules के के जो कि 2017 और 2022 के बीच में government ने किया। आप बोलेंगे सर कौन सा हमारे relevant है? दोनों ही ही है। है। आपको ये समझना पड़ेगा, दोनों 2022 वाला रूल आप पढ़ के जाना क्योंकि ऑटोमेटिकली 17 का चीज 2022 में भी और नया चीज 2022 में भी है तो वही आपको पढ़ना है जो मैंने आपको पढ़ाया है IGCDR rules and that is रूल्स एंड इज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंस्टेशन रेट ऑफ ड्यूटी रूल टू थाउजेंड सेवेंटीन ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो उसको अच्छे से करके जाइएगा ओके okay? चलो थैंक यू सो मच टेक केयर गॉड ब्लेस यू सी वेरी सुन इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर और हाँ मुलाकात होगी अब आप लोग से नेक्स्ट सेशन में थैंक यू सो मच एंजॉय द सेशंस एंड अच्छे से पढ़ी पढ़ाई करिए और ठीक है ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ओवरऑल टॉपिक समझ में आना चाहिए इजी टॉपिक है एग्जाम में क्वेश्चन इजी इजी आएगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक आने का नहीं है जस्ट एक बार रीड करना है आपको ओके दैट्स इट गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर कॉर ब्लेस यू